जाने माने बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी हाल ही में कि दिलीप कुमार को लगातार सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई थी कि दिलीप कुमार की हालत गंभीर नहीं है और वो पहले से बेहतर हो चुके हैं। ये खबर उनके डॉक्टर ने खुद दी थी, लेकिन ये भी बताया था कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उन्हें मुंबई स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हाल ही में एक नया बयान सामने आया है उनके डॉक्टर का, और हेल्थ अपडेट में दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ खान को लेकर उन्होंने एक कहा है कि दिलीप कुमार की हालत दोबारा से अस्थिर हो गई है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। हालांकि स्थिति काबू में है, लेकिन हालत नाजुक है। बॉलीवुड के लेजेंड अभिनेता दिलीप कुमार के डॉक्टर ने बताया कि दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ खान को बायलेटरल फ्लूरल इन्फ्यूजन की समस्या हुई है, जिसमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। उनके डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही वो स्थिर हो जाएंगे और उनकी हालत पहले से बेहतर हो जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, जो वाकई एक चिंतनीय विषय है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।